एग्ज़ाम का लोड रिड्यूस करने के लिए, कि क्योंकि आपकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई है, और उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने यह तय किया कि आपसे इंस्टेड ऑफ ऑल पेपर्स वी विल कंडक्ट ओनली थ्री एग्ज़ाम ऑफ द एग्ज़ाम फ्रॉम थ्री पेपर्स। थ्री पेपर्स जो होंगे वो आपके मैट्रिक से इंटर से होंगे या एफ ए से, और चार पेपर्स जो हैं आपके हो जाएंगे मैट्रिक से। के बलूचिस्तान के कल मुझे सवाल आ रहे थे, बलूचिस्तान के लिए भी यही तय हुआ है, क्योंकि बलूचिस्तान ने मैट्रिक के पेपर ले लिए थे, अब सिर्फ उनके इंटरमीडिएट के पेपर होंगे, और इंटरमीडिएट के भी सिर्फ इनके ही होंगे, इलेक्टिव्स के होंगे। क्योंकि जाहिर है पॉलिसी, जब हम पॉलिसी जब उसी तरीके से बनी जो कि पूरे मुल्क को के बच्चों को नज़र में रखते हुए ना, कि अगर बाकी सब सूबों में हम तीन तीन पेपर लें और बलूचिस्तान के बच्चों से हम सिर्फ सात पेपर लें, तो ये बच्चों के साथ ज्यादती हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये तय किया कि बलूचिस्तान के बच्चों से भी हम तीन पेपर ही लेंगे, और पूरे मुल्क के बच्चों से इसी तरीके से इलेक्टिव्स के इम्तहान लेंगे। तो ये तय है, और प्रैक्टिकल भी नहीं होंगे, और 10 जुलाई के बाद जो है वो इम्तहान जो है इस हवाले से होंगे। बच्चों के वो आ रहे हैं कि इम्प्रूवर्स का क्या है। इम्प्रूवर्स देखें, ये तो एक वाजह चीज़ है कि जो तीन पेपर्स हो रहे हैं आप उनके साथ इम्प्रूव भी पेपर दे सकते हैं। इलेक्टिव्स के तीन पेपर हो रहे हैं, अगर इंटरमीडिएट के तो वो तीन पेपर्स के फॉर्म भरवा दें आप, उसमें आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। और आप दूसरा ये कि अपना जो, बल्कि आपको तो एक और भी सहूलत मिल जाएगी कि आपको जो है वो फिलहाल सिर्फ तीन पेपर्स की तैयारी करनी पड़ेगी ना, बाकी अगर किसी, और हालांकि यह है बड़ी ज्यादती, बच्चे अगर ये इलेक्टिव्स का उनको पता नहीं है तो, क्योंकि देखिए मैं आपको अब बताता हूँ कि एक दो चीज़ें जो हैं, जो पहले मैट्रिक का मैं बताता हूँ ना, मैट्रिक में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके साथ मैथमेटिक्स, अच्छा बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो मैट्रिक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीन, और चौथा मैथमेटिक्स, और समटाइम बच्चे जो है वो कंप्यूटर साइंस भी सिलेक्ट करते हैं। तो लेकिन ये है कि जो भी पेपर देंगे चार से ज़्यादा नहीं देंगे, तो आप जो है वो चार पेपर्स की तैयारी करेंगे। तो मैथमेटिक्स कम सबके लिए कंपलसरी है, सबको देना लाजमी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। जो साइंस के बच्चे होते हैं उनको मैथमेटिक्स है, और जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं उनको जनरल मैथ होता है। अपने आर्ट्स वालों के बच्चों को मैं बताता हूँ, तो साइंस के बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी या कंप्यूटर, इनमें से जो भी उन्होंने इलेक्ट किया होगा वो देना पड़ेगा। ये हैं साइंस ग्रुप के। आर्ट्स ग्रुप के बच्चों को मैथमेटिक्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एनी थ्री सब्जेक्ट्स अमंग्स द फॉलोइंग, मैथ उनको देना है, बाकी तीन सब्जेक्ट अपनी मर्जी से, लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज अवेलेबल विद द बोर्ड्स, और बोर्ड वो ऑफर करते हैं आपको कोई से भी तीन पेपर जो हैं वो उनमें से सिलेक्ट करने पड़ते हैं। लिस्ट उसमें से कौन कौन से होते हैं, एडवांस इस्लामिक स्टडीज, मुस्लिम हिस्ट्री, फूड एंड न्यूट्रिशन, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल, आर्ट्स एंड मॉडल ड्राइंग, जियोग्राफी, फिजियोलॉजी एंड हाइजीन, कंप्यूटर स्टडीज, अरेबिक और पर्शियन और मॉडर्न लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस, सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, होम इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज, जनरल साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। अच्छा ये अब अभी आपने देखा कि 12, 15, 20 जो भी कोर्सेज हैं, इनमें से मैट्रिक के बच्चों को सिर्फ तीन सब्जेक्ट करने हैं बस, यानी मैट्रिक, अब ये अब हम रिपीट करते हैं कि तीन कोर्सेज वो जो वो हैं, और मैथमेटिक्स सबके लिए कंपलसरी है, तो ये चार कोर्सेज देने पड़ेंगे मैथमेटिक्स के बच्चे को। अब आते हैं एफ ए सी, या जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं, या हम कहते हैं HSSC, तो उन बच्चों को जो है वो कौन से देने पड़ेंगे, उनको अगर वो प्री मेडिकल का बच्चा है तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीन सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, और अगर वो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप का है तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीन पेपर देने पड़ेंगे। व्हाट अबाउट कंप्यूटर साइंस ग्रुप, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस। कॉमर्स ग्रुप में फिर वो लिस्ट है, और उसमें से तीन सब्जेक्ट जो है, अच्छा ए बिजनेस मैथमेटिक्स, बी बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, और प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, कंप्यूटर स्किल्स, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग वन, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग टू, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कमर्शियल, जियोग्राफी।
तो आपको भी तीन पेपर जो है वो इसमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कॉमर्स ग्रुप को भी, कॉमर्स ग्रुप के चार होते हैं सर। सॉरी कॉमर्स ग्रुप के चार होते हैं, क्योंकि वो फिर टोटल नंबर जो है तो फिर उस तरीके से वो उसका टोटल मार्क्स कम होते हैं। टोटल मार्क्स कम होते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर है टोटल मार्क्स करने पड़ते हैं।